नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में एनएचएम पंजाब ने सीएचओ की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज फरीदकोट में क्या है ये नियुक्ति की जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि BFUHS NHM पंजाब CHO का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, NHM पंजाब CHO का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, NHM पंजाब CHO का आपका सिलेबस क्या होगा, NHM पंजाब CHO की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में डाउट में, सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है, NHM पंजाब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वैकेंसी 2021 का आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट यानी BFUHS राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पंजाब के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार BFUHS NHM पंजाब में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स CHO की भर्ती के लिए कुल 320 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 12 जून 2021 से 15 जून 2021 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से NHM पंजाब में NHM पंजाब CHO वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम NHM कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपोर्टेड डेट क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में क्या विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल आपको बताई जा रही है कि BC यानी बैकवर्ड क्लास पंजाब के 19 पोस्ट है, बैकवर्ड क्लास पंजाब फीमेल के लिए 13 पोस्ट है, बैकवर्ड क्लास पंजाब ESM और LD ESM के लिए 6 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन और LD ESM के लिए 10 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन LD ESM फीमेल के लिए 13 पोस्ट है, फ्रीडम फाइटर ऑफ पंजाब के लिए 2 पोस्ट है, फ्रीडम फाइटर ऑफ पंजाब फीमेल के लिए 1 पोस्ट है, जनरल के लिए 90 पोस्ट है, जनरल फीमेल के लिए 35 पोस्ट है। इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर यानी EWS पंजाब के लिए 22 पोस्ट है, EWS पंजाब के जो फीमेल है उनके लिए 10 पोस्ट है, PD यानी पर्सनल विद डिसेबिलिटी फीमेल रिएक्शन के लिए 13 पोस्ट है, सॉरी रोटेशन के लिए, वाल्मीकि मजहबी सिख पंजाब के लिए 20 पोस्ट है, वाल्मीकि मजहबी सिख पंजाब फीमेल के लिए 13 पोस्ट है, SC पंजाब के लिए 19 पोस्ट है, SC फीमेल के लिए 13 पोस्ट है, SC ESM और LD ESM के लिए 12 पोस्ट है, SC स्पोर्ट्स पर्सन पंजाब के लिए 3 पोस्ट है, स्पोर्ट्स पर्सन पंजाब के लिए 3 पोस्ट है, स्पोर्ट्स पर्सन पंजाब फीमेल के लिए 3 पोस्ट है। तो इस तरह से आपके 320 पदों के लिए क्या है NHM CHO में पंजाब द्वारा क्या है ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो पंजाब नर्सिंग पंजीकरण परिषद के साथ पंजीकृत किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में BSc या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या सांविधिक राज्य बोर्ड से BA MS और राज्य रजिस्ट्रार या फिर आयुर्वेद के केंद्र रजिस्ट्रार पर आपका नामांकन होना चाहिए। तो अगर आपने किसी विश्वविद्यालय से नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc या फिर नर्सिंग में BSc कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम आपकी 18 वर्ष आयु हो सकती है, मैक्सिमम आपकी 37 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाएगी वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। तो NHM पंजाब CHO की भर्ती के लिए जो इंपोर्टेड डेट है उसके बारे में अगर चर्चा करें तो NHM पंजाब CHO ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, आपके 12 जून से शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट की आपकी 25 जून है, रिटर्न एग्जाम डेट भी इन्होंने क्या अभी जारी कर दी है, रिटर्न एग्जाम डेट है वो 4 जुलाई 2021 को रिटर्न एग्जाम आपका होगा। तो ये आपको याद रखना है, 4 जुलाई को आपका रिटर्न एग्जाम भी है, और अगर अभी आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा मौका है, आप ये फॉर्म ज़रूर भरें अगर योग्यता रखते हो तो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर बात करें
जनरल और ओबीसी के लिए या फिर अदर कैटेगरी जो कि एससी को छोड़कर है, आपकी फीस लगेगी वो 1180 रुपये लगेगी, जिसमें आपकी 1000 रुपये फीस है, 18% जीएसटी आपका लगेगा। एससी के लिए आपकी 500 रुपये फीस है, 18% जीएसटी है, तो टोटल 590 रुपये आपकी फीस लगेगी। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात करते हैं पंजाब एनएचएम सीएचओ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यानी बीएफ यूएचएस एनएचएम पंजाब सीएचओ का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो योग्य उम्मीदवारों का चयन वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा 100 नंबर का, उसी के आधार पर क्या है आपका जो फाइनल सिलेक्शन वो किया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले जो आपका एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एनएचएम पंजाब सीएचओ एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में अगर बात करें तो इसमें रिटर्न एग्जाम होगा, जो आपका सब्जेक्ट है कंसर्न सब्जेक्ट जो भी आपने बीएससी या फिर पोस्ट बीएससी की उससे संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। पेपर के बारे में अगर बात करें तो लिखित परीक्षा वो 100 अंकों की होगी, पेपर में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 35% अंक लाना जरूरी है, अगर आप इसके लिए पास होना चाहते हो कम से कम आपको 35 अंक लाना जरूरी है। इसके अलावा 1.5 गुना उम्मीदवार है वो काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे, यानी 1.5 गुना आपके लिए क्या उम्मीदवार है बुलाए जाएंगे काउंसलिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं आपका जो सिलेबस होगा एनएचएम पंजाब सीएचओ का सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ का आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो इसमें आएगा इंट्रोडक्शन टू पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी से संबंधित कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन, इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेज एंड प्रोसेस, इसके अलावा डेमोग्राफी सर्विलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल से संबंधित क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूट्रिशन से आपका क्या क्या आएगा। तो न्यूट्रिशन में आएगा इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल असिसमेंट, इसके अलावा न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लोकेशन, न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट चाइल्ड एडोलिसेंट एंड एल्डरली, इसके अलावा न्यूट्रिशियल डिफिशेंसी डिसऑर्डर, इसके अलावा फूड बोन डिजाइजेज एंड फूड सेफ्टी से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजाइजेज एंड मैनेजमेंट अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से कौन कौन से आपसे क्या जेपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आएगा एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजाइजेज, कम्युनिकेबल डिजाइजेज वन जिसमें वेक्टर बोन डिजाइजेज आएगा, फिर आएगा इन्फेक्शन इन्फेक्स डिजाइजेज, फिर आएगी आपकी जूनोटिक डिजाइजेज से संबंधित आपकी क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजाइजेज एंड मैनेजमेंट अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से कौन कौन से आपके क्या है टॉपिक आएंगे। तो इसमें आ जाएगा एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक नॉन कम्युनिकेबल डिजाइजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजाइजेज फर्स्ट सेकेंड, इसके वाला ऑक्यूपेशनल डिजाइजेज एंड देयर प्रिवेंटेंशल, मेंटल हेल्थ एंड सबसिस्टेंस अब्यूज डिसऑर्डर, इसके अलावा एल्डरली केयर से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड सुपरविजन से संबंधित कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो इसमें आएगा बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्किल एंड अदर सॉफ्ट स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा लीडरशिप सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, इसके अलावा हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अलावा अगर बात करें तो फिनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड कंपाउंडिंग ऑफ सब सेंटर, इसके अलावा रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट से संबंधित आपके पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं आपका प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशन में कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें आएगा आपका सबसे पहला होगा मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशन एंड इमरजेंसी इंक्लूडिंग फर्स्ट एड, तो इसमें आपका टॉपिक है कॉमन कंडीशन फर्स्ट जिसमें गैस्ट्रो इनिशियल सिस्टम आएगा इसमें, फिर आपका सेकंड भी आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर थर्ड में आ जाएगा हार्ट यूरिनरी सिस्टम एंड ब्लड डिसऑर्डर, फोर्थ में आ जाएगा आई ईयर नोज एंड थ्रोट, इसके अलावा फर्स्ट एड इन कॉमन इमरजेंसी कंडीशन, सिक्स में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे।
बात करते हैं मेटरनल हेल्थ से कौन कौन से आएंगे, तो इसमें आएगा इंट्रोडक्शन टू रेमेंस ए प्लस प्रोग्राम, इसके अलावा एटर्नल केयर आ जाएगा, इंटरनल केयर आ जाएगा इसमें, इसके अलावा अर्ली आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट एंड रेफरल टू रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशन और पोस्ट पोस्टमार्टम केयर से संबंधित अभी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं आपके जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एडोलिसेंट से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आ जाएगा जायनोकोलॉजिकल कंडीशन, फैमिली प्लानिंग मेथड, स्पेसिफिक टेक्निक एंड काउंसलिंग, मेडिकल अबॉर्शन एंड एमटीपी एक्ट, इसके अलावा काउंसलिंग इन प्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंट, इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ टेनेज प्रेगनेंसी से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आ जाती है आपकी न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के संबंध में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो इसमें आ जाएगा एसेंशियल केयर ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन न्यूनेशल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स, फिर आएगा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, इंट्रोडक्शन टू राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, और इसके अलावा एक और आ जाएगा आपका यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम यानी UIP। अब बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ कॉमन सर्जिकल कंडीशन में कौन कौन सा आएगा इसमें, तो कॉमन सर्जिकल कंडीशन फर्स्ट, कॉमन सर्जिकल सेकंड, कॉगेशनल कॉग्निनेटल मेलफॉर्मेशन आ जाएगा इसमें, स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन कैंसर से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर असेशनल ड्रग्स में फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों आ जाएगा इसमें। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी के बारे में, यानी NHM CHO पंजाब की जो आपकी सैलरी है वो क्या रहेगी, तो इसमें आपकी 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको क्या सैलरी दी जाएगी, इसके अलावा इंसेंटिव अप टू 15,000 रुपये, इंसेंटिव बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के आपको 15,000 रुपये आपको साथ में दिए जाएंगे, यानी आपकी अच्छी सैलरी है इसमें, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये भर्ती के लिए क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, हमने डिस्कस किया कि NHM पंजाब CHO की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और साथ में हमने डिस्कस किया कि BFUHS NHM पंजाब का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, BFUHS NHM पंजाब का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, BFUHS NHM पंजाब का आपका सिलेबस क्या होगा, BFUHS NHM पंजाब की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी वो सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।